अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने एक दिलेराना फैसला किया जिससे वो शाइस्ता खान को लाल महल से भगा सके। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने अपनी चालाकी और बहादुरी से शाइस्ता खान पर हमला किया। शिवाजी महाराज ने हमले का दिन तय किया। एक रात बारात उस महल के करीब से गुज़र रही थी। शिवाजी महाराज और उनके साथी उस बारात में शरीक हो गए, क्योंकि उस बारात में बहुत ज़्यादा हुजूम था। उस बारात में सैकड़ों औरतें और आदमी उस बारात में शामिल थे। शिवाजी महाराज और उनके साथी भी उस बारात में शामिल हो गए। आहिस्ता आहिस्ता वो बारात महल से आगे गुज़र गई और शिवाजी महाराज और उनके साथी महल में दाखिल हो गए। रात का वक्त होने की वजह से शाइस्ता खान के सिपाही रात में ऊँग रहे थे। शिवाजी महाराज के साथियों ने अपनी चालाकी से उनको बांध दिया। शिवाजी महाराज और आगे बढ़े, उन्हें लगा कि किसी ने उन पर हमला किया। शिवाजी महाराज ने भी जवाब में उस पर हमला किया। जवाबी हमले में शिवाजी महाराज ने उसको कत्ल कर दिया। शिवाजी महाराज को लगा कि वो शाइस्ता खान है, लेकिन बाद में उनको पता चल गया कि ये शाइस्ता खान नहीं बल्कि उनका बेटा है। पूरे महल में शोर मच गया, भागो भागो की आवाज़ें गूंजने लगी। शिवाजी महाराज आगे बढ़कर सीधे शाइस्ता खान के कमरे में दाखिल हुए। शाइस्ता खान उठ खड़ा हुआ। शिवाजी महाराज ने उस पर अपनी तलवार खींची। शाइस्ता खान शैतान 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 कहकर भागने लगा। शिवाजी महाराज ने उसका पीछा किया। वो शाइस्ता खान खिड़की के रास्ते से भागने लगा। शिवाजी महाराज ने उस पर हमला किया। इस हमले में शाइस्ता खान की तीनों उंगलियाँ कट गई। शाइस्ता खान वहाँ से भाग गया।